आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। देखिए, मेरे सभी एडेनियम प्लांट्स पर कलियां भी आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं, लेकिन सर्दी की वजह से कलियां तो आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ पर ही फ्लावरिंग होती है, कुछ पीली पड़कर गिर जाती हैं। जनवरी में भी इस तरह के फूल एडेनियम पर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ह्यूमिक एसिड को महीने में दो बार देने से एडेनियम पर इसी तरह के फूल पाए जा सकते हैं, और इसे देने से एडेनियम में ग्रोथ भी होती रहती है। ह्यूमिक एसिड प्लांट में कैसे दिया जाए, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। आप देखना चाहें तो वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये वही प्लांट्स हैं जिनमें मैंने ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइजर दिया था। इन सभी में मैंने फर्टिलाइजर महीने में दो बार दिया था। देखिए, इन सभी में ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और नई नई लीव्स भी बन रही हैं। ह्यूमिक एसिड देने से सर्दियों में भी एडेनियम ग्रोथ करते रहते हैं। ये देखिए, ये कुछ एडेनियम के सीडलिंग हैं जिनको हमने सीड से ग्रो किया था, और इनमें भी मैंने महीने में दो बार ह्यूमिक एसिड दिया था। इन सभी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आप एडेनियम को सीड से ग्रो करना चाहते हैं या उनकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दे दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग हमेशा गर्मियों में ही करनी चाहिए, और सीड्स ग्रो करने का सबसे अच्छा समय मार्च और अप्रैल होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब हमारे यहाँ पर सूरज नहीं निकल रहा है और सारा दिन आकाश में बादल रहते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल आती है, इसलिए मैं इस फर्टिलाइजर को सिर्फ महीने में एक बार ही अपने एडेनियम प्लांट्स में दूंगी। इसके अलावा ना तो मैं कोई फर्टिलाइजर दूंगी और ना ही वाटरिंग करूंगी। फिर अगले महीने रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि इस फर्टिलाइजर का इन सभी प्लांट्स पर कैसा इफेक्ट रहा। अगर आप भी ह्यूमिक एसिड अपने प्लांट में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्या आपने अपने एडेनियम प्लांट्स में ह्यूमिक एसिड दिया है? अगर आपने ह्यूमिक एसिड अपने प्लांट्स में दिया है तो आपके प्लांट्स में कैसा असर रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।